हेलो गाइस, तो आज के स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस से पिछले लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्शन चैप्टर चालू किया था। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के आने वाले क्वेश्चंस की। ये आपने होमवर्क कर लिया होगा आई थिंक सो, और आपकी लेंथ आ रही होगी 6.3 सेंटीमीटर और ये आपका बढ़िया सा सुंदर सुंदर डायग्राम बन रहा होगा। हम अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बस दो ही क्वेश्चन हमें इस वीडियो में करने, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो कभी भी नहीं पूछता है, आने को आस मतलब बहुत चांसेस कम रहते हैं क्योंकि हल्का सा टिपिकल पड़ता है बच्चों को, तो वो नहीं करते हैं। और 7th वाला तो बच्चों का है और वो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ सीबीएसई आपके साथ खिलवाड़ करने के लिए देता है। तो मेन क्वेश्चन 4 और 5 है, और 4 वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत। देखो, ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, हमें टेंजेंट्स बनानी है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सर ये कैसा क्वेश्चन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, टेंजेंट्स तो बनानी है। देखो, सबसे पहले हम सर्कल बना लेंगे 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वो ये बोल रहा है कि अब कोई पॉइंट नहीं है कि वो कितनी सेंटीमीटर दूर है सेंटर से, बस उन्होंने वो बोला है कि दोनों जो टेंजेंट्स है वो दोनों इंक्लाइंड है, मतलब झुकी हुई है 60 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो अब देखो, मैं मान लेता हूं ये मेरा पॉइंट होगा P, जहां से दो टेंजेंट्स बन रही होगी। ये मान लेते हैं ये दो पॉइंट है, ये यहां पे बी मान ले, ये A मान लेते हैं। हम बोल लेते हैं कि PA और PB हमारी टेंजेंट्स होगी, और ये बोल रहा है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल बन रहा है ना वो 60 डिग्री है। सर ये कैसे बनाएंगे? सर हमें तो यही नहीं पता कि P कैसे ढूंढे, बाहर वाला पॉइंट कैसे ढूंढोगे? बाहर वाला पॉइंट पहले आपको दिया रहता था कि सेंटर से कितनी दूर है, बट अब तो ऐसा है ही नहीं। तो बच्चों, इसलिए आपके साथ स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस है। तो देखिए, काम करते हैं। अगर मैं कुछ ऐसा करूं, मैं OA को और OB को ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, ये OA और OB मेरी क्या है, सर्कल की रेडियस है। और आपको पता है रेडियस जो है वो टेंजेंट के ऊपर कितने डिग्री का एंगल मारती है, 90 डिग्री का। तो ये 90, ये 90, ठीक है, और ये हमें 60 ऑलरेडी दिया हुआ। अब एक काम करते हैं, अगर आप ये फिगर को देखें ओ ए पी बी, तो आपको ये दिखेगा ये एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्लास 9 में आपको बताते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो अगर हम ये ओ एंगल निकाल लें तो हम निकाल सकते हैं, हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल्स टू 360। ए 90 है, पी 60 है, बी 90 है, और ओ हमें निकालना है। तो एंगल ओ आपका आ जाएगा 360 माइनस 90 और 90 180 और ये 240, तो एंगल ओ आपका हो जाएगा 120 डिग्री का। तो अब अगर हम एंगल्स बनाना चालू कर दें, हम क्या करेंगे, 3 से 4 एंगल्स बनाएंगे और फिर हमको कहीं ना कहीं पॉइंट मिल जाएगा। बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में पता है खेल क्या होता है, खेल होता है ये 120 निकालना, और कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपको 60 दिया हुआ है, ये 60 की जगह 100 दिया होता तो आपको पता है ओ कितना होता, 90 और 90 तो रहते ही रहते हैं, जो कि होते 180, फिर 100 280, 360 में से 280 गए तो कितने होंगे, आपका 80 का एंगल बनेगा, तो आपको 80 निकालना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपका डायग्राम भी बहुत अलग बनेगा। सबसे पहले हम एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल बना लेते हैं, फिर आगे की बात भी करेंगे। चलिए, 5 सेंटीमीटर लिया, अरे यार बिगड़ गया वो, ये 5 सेंटीमीटर लिया मैंने, ये मेरा एंगल सॉरी ये मेरा क्या बन गया, आपका सेंटर आ गया, और ये 5 सेंटीमीटर का मैंने बना दिया। अब 2 मिनट समझिए, मुझे एंगल ओ कितने का बनाना है, 120 डिग्री का। तो सबसे पहले मैं एंगल ओ ही बनाऊंगा 120 डिग्री का। सबसे पहले हम ये खींच देते हैं, मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सर्कल का रेडियस चाहिए, क्योंकि रेडियस ही तो टेंजेंट पे 90 डिग्री मारेगी। अब 120 का एंगल बना, अब बच्चों 120 का एंगल आप डी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आपको क्लास 9 में पता ही है हम राउंडर से भी बनाते हैं। तो 120 हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है, ये भी आपको पता होगा, तो 120 हमारा कहां बन रहा है, यहां पे बन रहा है, ठीक है।
यहां से मैं इसको क्या करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। शायद थोड़ा सा अपन ने गलती करी, ये सीधा रखा अपन ने, ये 120 एंगल, ठीक। तो यहां से मैंने इसको क्या किया, ज्वाइन कर दिया। बच्चों ये वाला एंगल कितने का आ गया मेरा, 120 डिग्री। मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं बी। ये अब खुद ही देखिए, ओबी और ओए ये दोनों ही क्या है, मेरे सर्कल की रेडियस है, और रेडियस टेंजेंट पे कितना डिग्री मारती है, 90 डिग्री। तो बी से भी 90 बनाएंगे, ए से भी 90 बनाएंगे। तो बी से हम 90 बनाना है, 90 तो पता ही होगा सीधा एंगल बनता है, तो ये रहा मेरा 90। इसको मैं सीधा कर देता हूं, तो ये मेरा 90 हो गया। अब जरा ए से भी हम 90 बनाए। अच्छा बच्चों, ए का 90 इधर बनेगा क्या? नहीं सर, उधर बनेगा। तो ए का 90 ये रहा सीधा। चलो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। अब ये दोनों लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये वाला एक पॉइंट आ रहा है और ये पॉइंट हमारा कहलाएगा पी पॉइंट, और इस पी पॉइंट से हमारी दो टेंजेंट्स बनी है। ये हो गया 90, ये भी हो गया 90, और ये शत प्रतिशत कितना एंगल होगा, 60 ही एंगल होगा। समझ में आ गया बच्चों? तो यहां पर पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में बस ये 120 का हिंट था। अच्छा, अगर हमें चेक करना है कि ये 60 है कि नहीं है, तो आप देख सके ये हमारा 60 ही एंगल आ रहा है। समझ में आ गया बच्चों? ये 120 का आप याद रखेंगे, और बनाना तो इजी था। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा रहेगा लास्ट और एकदम लास्ट क्वेश्चन। चलिए, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। टेकिंग ए एज अ सेंटर, ए को सेंटर लेते हुए ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एंड टेकिंग बी एज अ सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। ये लाइन का इंपॉर्टेंट है कि कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल, जो दो सर्कल बनेंगे एक ए से और एक बी से, टेंजेंट्स तो बनानी है बट दूसरे के सेंटर से, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ए बी लाइन खींच देते हैं। तो ये मैंने खींच दी 8 सेंटीमीटर की एक लाइन, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको देते हैं बी। अब उसने बोला था टेकिंग ए एज अ सेंटर, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ए को हम सेंटर लेंगे और 4 सेंटीमीटर का एक प्यारा सा सर्कल बनाएंगे। तो मैंने मेजर किया, अब इससे ए को सेंटर लेते हुए मैं एक सर्कल बनाऊंगा, ठीक है। फिर उन्होंने बोला बी को सेंटर लेते हुए 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ, तो 3 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं, ठीक है। अब ये हमने किया बी से रिलेटेड, ठीक है, दोनों सर्कल्स बन चुके हैं। अब उन्होंने बोला था कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल, इन दोनों में हमें टेंजेंट्स बनानी है, बट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। इसका मतलब समझ रहे हो आप बच्चों, कि ये जो ये वाला सर्कल है ना, ये वाला, ये कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। इसकी टेंजेंट पता है कहां से बनेगी, दूसरे वाले सर्कल के सेंटर से, मतलब बी पॉइंट से। और ये वाला जो सर्कल था ना, जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर थी, इसकी टेंजेंट बनेगी ए पॉइंट से। अब सबसे पहले काम करते हैं अपन इस वाले की बात करते हैं। इस वाले के लिए एक्सटर्नल पॉइंट हो गया बी, तो एक्सटर्नल पॉइंट बी है, तो ये रहा मेरा बी। इसका मैं क्या बनाऊंगा, परपेंडिकुलर बायसेक्टर। प्रोसेस तो सेम ही है बच्चों, तो परपेंडिकुलर बायसेक्टर बनाते हैं हम इसका। ठीक है, ये मेरा परपेंडिकुलर बायसेक्टर हो गया, हम इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। अब इससे हम क्या करेंगे, आपका एक सर्कल बनाएंगे। ये वही ट्रिक है, कुछ नया नहीं है, जो पहले किया हुआ है हमने।
सर्कल बना दिया थोड़ा सा, हाँ ठीक है, हल्का सा टिल्ट हो रहा है बस, ठीक है सर्कल बना दिए। अब देखिए ये वाला सर्कल था और ये वाला सर्कल था, ये दोनों ही यहां पे मिल रहे हैं, एक दो। तो अब इसका एक्सटर्नल पॉइंट क्या था हमारा, बी था, तो बी से हम इसको ज्वाइन कर दिया और फिर बी से हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया। अब देखें बी बी वाला सर्कल जो है इसका ए से बनेगा, तो वापस मैं क्या करूंगा, बी ये वाले सर्कल के लिए बी मेरा एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। और खुद ही सोचिए बच्चों, खुद ही सोचिए, दिमाग लगाना है, हम वापस ए बी का ही तो परपेंडिकुलर बायसेक्टर बना रहे हैं वापस से, इसमें भी यही किया इसमें भी यही किया, पर परपेंडिकुलर बायसेक्टर तो हम ऑलरेडी बना चुके, ठीक। अब बायसेक्टर बन चुका, अब अगर मैं सर्कल्स भी बनाता हूं, लो ये मैंने सर्कल बना लेता हूं, तो ये तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो बच्चों बस इसमें यही क्वेश्चन था। अब देखें ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल कहां मिल रहा है, एक और दो, ज्वाइन करें ए से क्योंकि ए पॉइंट है इसका, एक और आपका दो। तो ये आपका जो zigzag फिगर बन रहा है इसको हम बोलते हैं टेंजेंट्स, इसको नाम दे देते पी क्यू आर एस। तो अब मैं बोलूंगा पी बी एंड बी क्यू, ये किसकी बनी, ये वाले सर्कल की, जो कौन सा था जिसकी रेडियस थी 4 सेंटीमीटर, और ए आर एंड ए एस ये किसकी बनी जिसका रेडियस थी 3 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अब हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, हमारी सारी एक्सरसाइज, हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम आपको आगे मिलेंगे थोड़े बहुत सैंपल पेपर्स की ओर से और थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एंड से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।